हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में IIT दिल्ली के मेस फूड के बारे में बताऊंगी कि वो कैसा होता है और क्या क्या सर्व किया जाता है, जिसमें मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की पूरी डिटेल्स बताऊंगी और स्पेशल इवेंट्स और फेस्टिवल एंड व्रत में क्या क्या सर्व होता है एंड जो लास्ट में जो खाना बचता है उसके साथ क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। ये IIT दिल्ली का हिमाद्री हॉस्टल है, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल के बाहर ही हैंड वॉश का सिस्टम है, जहाँ पे लिक्विड हैंड सोप अवेलेबल रहता है। मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ, जिसका टाइमिंग 7 to 9 होता है। मेस के अंदर हॉट वाटर मशीन है, जिसमें आप गर्म पानी पी सकते हैं। डेली चाय मिलती है, प्लेन मिल्क मिलता है, उसके साथ कॉफ़ी पाउडर भी मिलता है। कॉफ़ी पाउडर किसी को पसंद है तो बॉर्नविटा भी मिलता है, बॉर्नविटा के साथ शुगर भी होती है। डेली वाइट ब्रेड मिलती है, डाइट कॉन्शियस वालों के लिए ब्राउन ब्रेड मिलती है और जो ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है उनके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड भी होती है। साथ ही साथ बटर होता है, जैम होता है, आलू का मिक्सचर बनाया हुआ होता है जिससे आप सैंडविच बना सकते हैं, ग्रिल सैंडविच भी बना सकते हैं आप। और ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए ग्रिल मशीन्स हैं काफ़ी सारी, और टोस्टर्स हैं 2-3, और एक बड़ा वाला टोस्टर है जिसमें आप अपने ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन ब्रेकफास्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि अलग होता है डेली एक पर्टिकुलर मेन्यू के हिसाब से, जो कि हर मंथ चेंज होता है। अब मैं आपको कुछ पिक्स शेयर करती हूँ ब्रेकफास्ट की। इस प्लेट में आप देख सकते हैं कि ये पोहा है, पोहे के लिए नमकीन है, काला चना है और ये दूध वाला दलिया है। इस प्लेट में पपाया है, सांभर है, कोकोनट चटनी है, डोसा है, ब्रेड बटर है और ये आलू का मिक्सचर है और ये मिल्क है। नेक्स्ट में कॉर्नफ्लेक्स है, ढोकला है, पपाया है एंड ये नमकीन वर्मिसेली यानी कि सेवइयाँ हैं। फ्रूट्स 5 to 6 डेज अ वीक मिलते हैं, जो कि सीजनल होते हैं। ये डाइनिंग हॉल में मैं और मेरी फ्रेंड्स हैं। तो अब ब्रेकफास्ट के बाद हम लंच की तरफ प्रोसीड करते हैं। लंच के टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होता है। ये सैलेड का मशीन है, जिसमें सैलेड हमेशा ठंडा रहता है और एकदम हाइजीनिक रहता है। डेली दही या फिर अलग अलग वैरायटी का रायता होता है और साथ ही साथ पिकल होता है। समर्स के टाइम आपको ड्रिंक्स मिलती हैं, जिसमें कि शिकंजी होती है या ऑरेंज स्क्वैश होता है या फिर कभी कभार जलजीरा भी होता है। रोटी घी वाली भी मिलती है और बिना घी वाली भी मिलती है एंड राइस भी डेली बनते हैं। ये लंच मेन्यू है, जो कि हर महीने चेंज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैरायटीज होती है। मैं आपको लंच की पिक्स शेयर करती हूँ, बट मेरे पास ज़्यादा नहीं। इस प्लेट में लौकी का रायता है, दाल है, सैलेड है, रोटी है, पापड़ है और स्टफ कैप्सिकम है। नेक्स्ट प्लेट में दाल है, बटर पनीर मसाला है, बथुआ रायता है, ब्रोकली पुलाव है एंड रोटी। इसी के साथ मेस में बिना प्याज का खाना भी बनता है, जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए, और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए भी अलग से डेली खाना बनता है। इस प्लेट में खिचड़ी है, दही है, सब्जी है, चटनी है। ये सिक मील था। तो अब लंच के बाद हम इवनिंग टी पे आते हैं, जिसके टाइमिंग्स शाम को 4 से 5 बजे होते हैं। इस टाइम चाय मिलती है और चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स मिल जाता है। शाम की चाय के बाद अब हम डिनर पे आते हैं, जो कि शाम को 7 बजे से रात के 9 बजे तक होता है। और ये कुछ मेन्यूज़ हैं, जो तो आप देख सकते हैं इसको ध्यान से कि क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं डिनर में। इस प्लेट में पनीर भुर्जी है, मसूर दाल है, वेज पुलाव है, चमचम है और घी वाली रोटी है। इस प्लेट में वेज नूडल्स हैं, फ्रूट क्रीम है, मंचूरियन है, लेमन राइस है एंड सैलड है। इस प्लेट में पापड़ी चाट है, दाल है, सोया चाप है एंड रोटी है। इस प्लेट में पाव भाजी है, पास्ता है, आलू टिक्की है, पेस्ट्री है एंड वनीला शेक है। इस प्लेट में पनीर बिरयानी है, बूंदी रायता है, रबड़ी जलेबी है, दाल है, रोटी है, सैलड है। इस प्लेट में लच्छा परांठा है, प्लेन राइस है, बूंदी रायता है, दाल है, वाइट सॉस पास्ता है, रबड़ी जलेबी है, सैलेड है। नेक्स्ट इस प्लेट में दाल मखनी है, मिक्स वेज है, सैलेड है, रोटी है एंड चॉकलेट ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस एंड आइसक्रीम। आपने इस मेन्यू में कुछ नोटिस किया होगा कि इसमें एक कॉम्बिनेशन है, एक हेल्दी वर्जन और एक टेस्टी वर्जन का, तो दोनों का बैलेंस रहता है हर दिन। ये कुछ मोमेंट्स हैं जिसमें मैं और मेरे फ्रेंड साथ में मिलकर बैठ के खाना खा रहे हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम साथ में मिलके खाते हैं मेस में। मेस में कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमेशा रहते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन हो गया, इंडक्शन कुकटॉप हो गया
और रेफ्रिजरेटर जो कि हम पर्सनली कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हो गया। अब मैं आपको स्पेशल इवेंट्स का बताती हूँ कि उस टाइम क्या क्या सर्व होता है। जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तब हॉस्टल और मेस को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। लोहड़ी फेस्टिवल के टाइम बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और पूरा डीजे लगाया जाता है और प्रसाद भी बांटा जाता है, जिसमें मूंगफली, रेबड़ी और पॉपकॉर्न दिए जाते हैं। होली फेस्टिवल पर ठंडाई पकौड़े का अलग से अरेंजमेंट रहता है और खाने में स्पेशली दही वड़े होते हैं, ऑरेंज स्क्वैश होता है, गुजिया होती है और नॉर्मल खाना होता है। आप हॉस्टल को देख सकते हैं कितने अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेशन की हुई है। ये मील एक इवेंट पे सर्व किया था जिसमें कि स्टार्टर्स में सूप है, चिली पोटैटोज हैं, सैलेड में रशियन सैलेड एंड नॉर्मल सैलेड है, मेन कोर्स में शाही पनीर है, मटर मशरूम एंड दाल है। अब मैं आपको इस बार के न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताती हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था, जिसमें हमें कूल ब्लू मॉकटेल सर्व हुआ था ड्रिंक्स में, स्टार्टर्स में हमें स्प्रिंग रोल्स एंड मोमोज सर्व किए थे, सैलेड में मैक्रोनी क्रीम सैलेड था और डेजर्ट में चॉको ट्रफल आइसक्रीम थी, और डिनर में हमें सर्व हुआ था शाही पनीर, आलू गोभी, दाल मखनी, राइस, लच्छा परांठा, आलू टिक्की और डेजर्ट में था चॉको ट्रफल केक एंड गुलाब जामुन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने मेस में जाते हैं तो पता चलता है कि आज स्पेशल डिनर है, तो एक ये सरप्राइज प्लान भी करते हैं, जिसमें स्टार्टर्स में गोभी मंचूरियन और चिली पोटैटोस थे और प्रॉपर सैलेड था अच्छा वाला, दाल बाटी चूरमा था। इस प्लेट में दाल बाटी है, दाल मखनी है, वाइट रसगुल्ला है, रायता है, चूरमा है, नान है, शाही पनीर है, दही वड़ा है। सो ये सब स्पेशल इवेंट्स एंड फंक्शंस या फिर फेस्टिवल के बारे में था जो भी हमें मील सर्व होता है। अब मैं आपको व्रत का बताऊंगी जो नवरात्रि के टाइम हमें खाना सर्व होता है। सुबह के टाइम फ्रूट्स एंड मिल्क ले सकते हैं आप, आपको दिन में भुने हुए आलू और दही मिलेगा और साथ में ही सेंधा नमक रखा रहता है। रात के टाइम कुट्टू की पूड़ी बनती है या फिर सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बनती है, आलू की सब्जी बनती है बिना नमक की, साइड में नमक रख देते हैं वो, और मीठे में साबूदाने की खीर होती है और दही होता है। सो ये व्रत के टाइम खाना मिलता है। ऑफिशियली हमारा कॉलेज अभी बंद है कोरोना वायरस की वजह से, बट जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मील सर्व हो रहा है। मील सर्व होते टाइम प्रॉपर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं आप देख सकते हैं और मास्क पहने हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो खाना बच जाता है मेस में उसके साथ क्या होता है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये खाना बिल्कुल भी फेंका नहीं जाता है, बल्कि ये खाना जोमेटो फीडिंग इंडिया कैंपेन में भेजा जाता है, जहाँ पर वॉलंटियर्स नीडी पीपल्स को या फिर गरीब लोगों को ये खाना सर्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सभी को ऐसे ही करना चाहिए, खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं मेस स्टाफ के लिए बोलना चाहूँगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं और पूरा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं अपनी टीम के साथ। डाइनिंग हॉल की हमेशा जब भी मील कंप्लीट होता है तो हमेशा सफाई होती है, और हमारे मेस के सुपरवाइजर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कॉरपोरेटिव हैं। सो इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए। IIT दिल्ली की लाइफ के बारे में और जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।